भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वैट कम नहीं किया गया है, जिसका विरोध करते हुए भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राज्य सरकार के विरोध में बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आंदोलन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के टैक्स को कम किया गया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा टैक्स को कम नहीं किया गया, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम राज्य में घटने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए आज भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आंदोलन कर राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गयी। अहंकारी भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र सरकार के विरोधा मध्य युवा मोर्चा वारंवार आंदोलन करत रहे। वाइन घरोघरी विकायची आहे, दुकानात दुकानात विकायची आहे, दारू चाय दारू कमी करायची आहे, सस्ती करायची आहे, पण सामान्य माणसाला दैनंदिन गरजामध्ये लागणारा पेट्रोल वरचा एक रुपया सुद्धा या महाराष्ट्राच्या सरकारला कमी करायचा नाहीये। हे दुराचारी भ्रष्टाचारी अहंकारी महाराष्ट्राची सरकार आहे, म्हणून या सरकारच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्र भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज महाराष्ट्रभर आंदोलन हा एक सगड़ा महाराष्ट्रभर आंदोलन सुरू है। आम्स अध्यक्ष ने संगित कि आंदोलना की सुरुआत है, अगर यहां महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल वरचा वैट कमी के नहीं तो ये तीव्र एकदम आक्रमक आंदोलन युवा मोर्चा अपने स्टाइल ने केशिवा रह महाराष्ट्र सरकार आम्मी शांत रहू देना नहीं। जो पर्यंत हे पेट्रोल वरचे रेट कमी करणार नाही, तोपर्यंत भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि समस्त कार्यकर्ते आम्ही सगळे धरून या पूर्व नागपूरवर आमचे आमदार कृष्णाबाई खोपडे यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही पूर्व नागपूरवर जेवढे पेट्रोल पंप सगळ्या ठिकाणी आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। आज या आंदोलनाची सुरुवात आहे, त्याच्यानंतर आंदोलन आणखी तीव्र होईल एवढंच आपल्याला आपल्या माध्यमातून सांगतो। आणि सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी जमा उपस्थित आले त्या सगळ्यांना धन्यवाद म्हणतो। कार्यक्रम जाहीर केला संपला असे घनश्यामजी जाहीर करतो। राज्य सरकार के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 6 विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन किए गए हैं। इस दौरान राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। अब देखना होगा कि क्या राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर लगे टैक्स को कम करती है या नहीं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।